अमरोहा में एसडीएम ने निजी गोदाम पर मारा छापा। 112 क्विंटल सरकारी गेहूं बरामद। अमरोहा तहसील क्षेत्र के उपजिलाधिकारी शशांक चौधरी को सूचना मिली कि अमरोहा नगर के बिजनौर मार्ग पर स्थित एक गोदाम में सरकारी गल्ले का गेहूं छिपाकर रखा गया है। यहां से ये लोग सरकारी गल्ले के गेहूं को दूसरे सामान्य कट्टों में भरकर उसका कट्टा बदलने के बाद इनको मार्केट में बेच देते हैं और मोटा मुनाफा कमाते हैं। जानकारी मिलने के बाद अमरोहा के उपजिलाधिकारी एवं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शशांक चौधरी ने अमरोहा सिटी कोतवाल रविंद्र सिंह एवं पूर्ति विभाग की टीम के साथ इस गोदाम पर छापेमारी की, जहां पर एसडीएम को छापेमारी के दौरान 112 क्विंटल सरकारी गेहूं बरामद हुआ। इतनी बड़ी मात्रा में मिली गेहूं को पूर्ति विभाग और पुलिस की मौजूदगी में कब्जे में लेकर एसडीएम शशांक चौधरी ने मौके पर मिले 3 लोगों को गिरफ्तार करा दिया। बाकी जितने भी लोग इस पूरे मामले में लिप्त हैं उन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए एसडीएम शशांक चौधरी ने बताया है कि जो भी लोग इसमें लिप्त हैं सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। फिलहाल इन 3 लोगों को उन्होंने हिरासत में ले लिया है, बाकी अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कराई जाएगी। एसडीएम शशांक चौधरी ने यह भी बताया कि ये गेहूं कहां से आया था, इस बात की छानबीन भी कराई जाएगी। एक हमें सूचना मिली थी फोन के द्वारा कि एक ट्रक जो है कुछ सामान भर रहा है, गेहूँ के बारे में सूचना मिली थी, तो आकर के हमने छापेमारी की तो इसमें 112 क्विंटल गेहूँ बरामद किया गया है। मौके पर एक ट्रक बरामद हुआ है और ये सारा जो माल है वो सरकारी जो गोदामों पर रहता है वो माल पकड़ा गया है। ये लोग कहीं से माल ला करके यहाँ पे सरकारी बोरों में से खाली करके उसको फुटकर और ऐसे ही जो छोटे विक्रेताओं को बेच देते थे और इस तरीके से काम कर रहे थे, तो इन्हें आज हमने मौके पर ही रंगे हाथों पकड़ा है। इसमें कई लोगों के नाम सामने आए हैं जो सप्लाई विभाग इसमें पूरे माल को सील करके और संबंधित के खिलाफ जो है 420 में 3/7 में और बाकी सुसंगत धाराओं में आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई करेंगे। सर मेन आदमी दुकानों के नाम सामने आए? नाम मेन तो अभी कोई सामने इसमें क्लियर हो नहीं पाया, लेकिन जो गिरफ्तार हुए हैं उन्हीं के हम लोग नाम लिख रहे हैं, जैसे जो ट्रक का ड्राइवर है या जो इनके साथ जो यहाँ पे मौके पर मिले हैं लोग। बाकी जो गोदाम के मालिक हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी, तो सब लोग जिसमें सब जितने भी लिप्त हैं इसमें सबके खिलाफ कार्रवाई की।